हेलो ट्रेडर्स वेलकम टू माय चैनल प्राइस एक्शन मैटर एंड दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे एक स्टॉक को स्टडी करने वाले हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पंद्रह साल बाद एक ब्रेकआउट आने वाला है ठीक है आने वाला नहीं है, आ चुका है बट अभी कैंडल क्लोज नहीं किया है तो इसलिए आपके साथ में ये स्टॉक हम लोग शेयर करेंगे एंड इसकी पूरी एनालिसिस हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कमेंट करके अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा ये एनालिसिस लगा या आपको क्या लगता है कि इस स्टॉक में क्या हो सकता है ठीक है एंड आप में से जो नए हैं वो हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इन वीडियोस को देख सकते हो आपकी ईयर ट्यूनिंग मेरे साथ मैच करती है तो आप डेफ़िनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आप यहाँ सीखने के उससे आए हो तो आप जरूर सीखोगे एंड दोस्तों ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मैं भी आ, डेली सीखता हूँ एंड ऑल्दो मुझे भी फोर टू तो फाइव ईयर का भी एक्सपीरियंस है तो धीरे धीरे मैं भी सीखता जा रहा हूँ तो आप भी अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करा करिए एंड अभी हम लोग स्टॉक को देखते हैं तो देखो पहला स्टॉक है वेदांता का एंड अभी एक स्टॉक और है उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तो अभी वो भी मैं आपको लोगों को बताऊंगा एंड यहां पे देखोगे वेदांता लिमिटेड का चार्ट खुला हुआ है एंड यू कैन सी कि किस तरीके से यहां पे एक मोमेंटम पकड़ा हुआ है एंड मैंने आप लोगों को एक वीडियो डेडिकेटली बना बनाया था कि जब भी आर एस के ऊपर जाता है तो एक मोमेंटम आता है एंड आपको लोगों को देखोगे इसकेडल पर यहाँ पे सिस्टी के ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक जाने लगा था ठीक है एंड उसके बाद में यहाँ से काफ़ी अच्छा एक आपको मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है तो यहाँ पे भी हम लोग इस लेवल को मार्क करेंगे जो इसके भी हाई थे एंड आप देखोगे क्लियरली 2010 में ये यहाँ पे इसने ये हाई लगाया था चार का एंड उसके बाद से आप देखोगे कि ये एक रेंज में ही रहा है ये स्टॉक ठीक है एंड अभी कहीं ना कहीं ये इसको एक ब्रेकआउट करने के क्लोज uh, है एकदम ठीक है एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या दिख रहा है कि स्टॉक देखो इससे पहले जब भी ये ऊपर जा रहा था फिर तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना एंड स्टॉक नीचे आ गया बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि स्टॉक ऊपर गया यहाँ पे नीचे आया बट पूरी तरीके से ये नीचे नहीं आ पाया दोस्तों ठीक है मीन्स कि यहाँ पे करेक्शन भी आया ठीक है एंड करेक्शन के बाद में ये एक ब्रेकआउट है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे ये हमारी फर्स्ट वेव होगी जो कि मैंने आपको एलियट वेव में पढ़ाया था एंड ये एक ब्रेकआउट एक पैटर्न था ठीक है यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है ट्वेंटी ई के पास से वो भी मंथली टाइम फ्रेम में तो डेट इज वाई दोस्तों ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड अगर यहाँ से ये यह स्टॉक इसके ऊपर निकलता है फोर टू के ऊपर तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही शार्प मोमेंटम आ सकता है ठीक है तो इस स्टॉक को मिस मत करना अभी फिलहाल अभी हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में चलेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं तो अभी हम लोगों ने मंथली में समझ लिया है कि मंथली में ये अपने रेसिस्टेंस पे है एंड यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है ठीक है एंड अभी यहाँ पे हम लोग वीकली पे एक बार देखेंगे कि वीकली पे हमें क्या दिखाई दे रहा है तो अगेन देखो वीकली में भी, में भी मैंने आप लोगों को जो स्ट्रेटेजी शेयर किया था कि जब भी ये ट्वेंटी ई एम ए टू हंड्रेड ई एम ए क्रॉस करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में तो आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखता है यू कैन सी कि यहाँ पे कितना अच्छा कंसोलीडेशन हुआ एंड यहाँ पे एक हमारी अर्ली एंट्री थी ठीक है इससे पहले भी मैंने आप लोगों को स्टॉप दिया हुआ है आ, यहां पे कहीं जब यहां पे एक कर... इस तरीके का स्ट्रक्चर था तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को स्टॉक दिया हुआ है तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कितना अच्छा यहाँ से एक मोमेंटम आया है एंड अभी ये इसमें दिक्कत क्या है ना दोस्तों कि यहाँ पे काफ़ी शार्प मोमेंटम है तो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है इट कुड भी पॉसिबल कि ऊपर जाके ऊपर के लेवल जाके यहाँ से एक पुल बैक ले ले ठीक है तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है क्योंकि स्टॉप लॉसेज यहाँ पे बड़े हो रहे हैं ठीक है तो वीकली में भी हमें ये चीज़ समझ में आ गई है एंड आप देखोगे आर भी ऑलमोस्ट ओवर जोन पे चल रहा है ठीक है एंड अभी हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम को एक बार स्टडी कर लेंगे एंड दोस्तों प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेली टाइम फ्रेम में भी स्टॉक इतने अच्छे से ट्रेंडिंग है ट्वेंटी ई एम ये ऊपर ही है तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छा पुल बैक आ जाता है या फिर यहाँ पे अगर ये स्टॉक कंसोलिडेट करता है ठीक है छः सात दिन यहाँ पे या पाँच छः दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करता है फिर ब्रेकआउट देता है तो ये एक अच्छा यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल सकता है बट अभी फिलहाल मैं इससे आप लोगों को दूर होने के लिए बोलूंगा ठीक है क्योंकि जो मेरी स्ट्रैटेजी है दोस्तों कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर जाके कुल बैक देगा एंड फिर आप यहाँ पे बाय करोगे तो बेटर है या फिर आपको ये वन आवर टाइम फ्रेम में वन आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देखोगे टू uh, हंड्रेड ई के पास में अगर ये स्टॉक कभी भी आपको मिलता है तब आप यहाँ पे एक ले सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आप इसको भी वॉच लिस्ट में रखोगे एंड यहाँ पे आप देखोगे कि ऑलमोस्ट हर टाइम फ्रेम में ये एक ओवर जोन पे चल रहा है एंड देखो जो स्टॉक भागते हैं वो भागते ही रहते हैं ये भी होता है ठीक है तो इसीलिए दोस्तों अलग अलग स्ट्रेटेजी है इस स्टॉक को कैसे कैप्चर करना है एंड uh, तो मेरा यहाँ पे जो भी व्यू था मैंने आप लोगों को शेयर किया है ठीक है अभी यहाँ पे रेसिस्टेंस है इसको क्लियर होने दो एक यहाँ पे करेक्शन आने दो एंड देन यहाँ पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे एंड इधर पे अभी देखते हैं अशोक लीलैंड ले एंड माँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि वेदांता में अगर आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम में मैं दिखाऊं तो अगर टारगेट की बात करें ना तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखोगे यहाँ से स्टॉक ये डबल भी हो सकता है क्योंकि काफी लंबा है कंसॉलिडेशन है बस जस्ट यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट आ जाए फिर आपको ये स्टॉक काफी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा ठीक है एंड अभी अगला स्टॉक जो मैं बता रहा था आप लोगों को कहीं ना कहीं दोस्तों अशोक लीलैंड का चार्ट है एंड अगर यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाऊँ तो इसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट आया था यहाँ पे देखोगे दो में ये यह स्टॉक यहाँ पे था एंड उसके बाद एक ब्रेकआउट आया देन कंसॉलिडेट करके फिर एक ब्रेकआउट दिया है तो ये काफी इंटरेस्टिंग है एंड यहाँ से आप देखोगे कंपनी के जो भी रिजल्ट भी आ रहे हैं वो भी काफी इंप्रूव है तो कहें दोस्तों ये स्टॉक भी काफी अच्छी तरीके से मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा एक रैली आ सकता है तो इस स्टॉक को भी मिस मत करना ठीक है एंड ऑलरेडी मैं आपको दो तीन बार यहाँ पे स्टॉक बता चुका हूँ लोअर लेवल्स पे अभी ये थोड़ा निकल चुका है एक पुल बैक यहाँ पर भी आ जाए तो यहाँ पे भी आप एंट्री बना सकते हो तो दोस्तों कैसा लगा आपका एनालिसिस मुझे जरूर बताइएगा तब तक के लिए बाय बाय सी यू टेक केयर एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद